हरियाणा श्रीवास्तव जी को एक ताली बजा के इनका स्वागत। और वार्ड वार्ड में घूम करके जो भाजपा के प्रत्याशी हैं उनके पक्ष में लगातार कार्यक्रम मनाया हुआ है। आज इस न्यायालय का उद्घाटन किया गया है। लोगों में उत्साह है, जो उनके चाहने वाले हैं लगातार भीड़ में दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। कैमरा मैन से कहूँगा पीछे दिखा, पूरा कार्यालय लेने भोजपुरी के एक्टर भी हैं। दो मिनट का समय लेना चाहते हैं। गोरखपुर के गलियों में आप लगातार अपने चुनाव में भी घूमे हैं, इस चुनाव में उस चुनाव में क्या अंतर है दोनों के? गोरखपुर समाचार के सभी दर्शकों को मैं सांसद रवि किशन प्रणाम करता हूँ। मनोज श्रीवास्तव के लिए 62 नंबर वार्ड में आए हैं। मनोज श्रीवास्तव जी का जो रिस्पांस है, चूंकि विकास की गंगा इतनी बही है यहाँ पर, पूज्य महाराज जी ने कोई कमी नहीं, लाखों करोड़ों का काम यहाँ हुआ, लाखों करोड़ों का और लाखों करोड़ों का काम होने वाला, तो उस विकास को वो जो पूरा बजट जो पास हुआ है, थोड़ा बहुत किसी के गली कूचा कुछ बचल हुई तो पूरा होना, हर घर में जल से नल प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं, 3 साल से अनाज मिल रहा है। तो मनोज श्रीवास्तव जी को 62 नंबर वार्ड, मैं सांसद रवि किशन शुक्ला निहोरा करत रही, सब लोग मिल के इनके ऐतिहासिक जीतवा के अलावा जो जो भी भाजपा से जहां जहां से उनके लिए भी पास, जितना 80 पूरे 80 हमारे माननीय पार्षद लोग खड़े हो रहे हैं, हम सभी लोगन खातिर गोरखपुर समाचार के द्वारा ये संदेशा दे रहे हैं कि मैं सांसद रवि किशन शुक्ल निहोरा कर रहे थे कि विकास की गंगा जो बह रही निरंतर सुरक्षा व्यवस्था के साथ, उसको आप लोग ना रोकें और उसको किसी जात पात की राजनीति में ना आने दें, गुंडों की सरकारों को ना आने दें, जहाँ पे दबंगों को और माफियाओं को शय मिलता है, ऐसे लोगों को आप लोग धिक्कार दें, इन लोगों को जमानत जब्त करवा दें। जय श्री राम, जय श्री राम।